के पुण्यार्ज रखें अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सुख शांति से जीवन जी रहे हैं और लोगों को देखो, जीवन तो मिल गया पर जीवन के अनुरूप व्यवस्था नहीं मिली है। तो हम तो उनसे अच्छे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नहीं, बोलो जी, सौभाग्यशाली हैं। इन चीजों को पाकर के, इन उपलब्धियों का हमें सही सही प्रयोग करना है। योग बना है, प्रयोग करो। प्रयोग करके क्या पाओगे? जीवन में सुख पाएंगे, समृद्धि पाएंगे, शांति पाएंगे, सहजता पाएंगे, सरलता पाएंगे। यही तुम्हारा सही प्रयोग है, वरना प्रयोग योग मिला प्रयोग सही नहीं करोगे तो जीवन में पीड़ा होना ही होना है। जिन जिन लोगों ने संयोग योग पाकर के सही प्रयोग नहीं किया था, उन जीवों को देख लो कि कोई भीख मांग रहा है, कोई विकलांग है, कोई गरीबी है, कोई दरिद्रता से जी रहा है, कोई किसी तरह के अभाव में जी रहा है, लेकिन हम तो सबसे अच्छे हैं कि नहीं। यही सारा चित्रण बोधि दुर्लभ भावना का यहीं पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। तो धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। इस संसार में दुर्लभ क्या है? इस संसार में दुर्लभता किस चीज की है? ज्ञान की है। ज्ञानी तो सब बैठे यहां पर, कोई अज्ञानी अनपढ़ नहीं दिख रहा मेरे को। तो किसी ने बटन ऊपर का नीचे लगाया हो तो बता दो, ऊपर का बटन नीचे या नीचे का बटन ऊपर लगा दिया हो, साइड को उल्टी पहन ली हो तो बता दो, कोई अज्ञानी हो? ज्ञानी तो सभी लोग बैठे हुए हैं। एक ज्ञान तुम्हारा सही ज्ञान नहीं है। तुम्हारा ज्ञान है उपाधेय जैसा होना चाहिए कि हमारे लिए हे क्या है और उपाधेय क्या है। आपा पर का भेद विज्ञान रूपी ज्ञान होना चाहिए। जिस ज्ञान से केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, वो ज्ञान हमें प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। एक छोटे से बच्चे को स्कूल भेज करके ज्ञान प्राप्त करा देते हैं, लौकिक शिक्षण प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है। दो और दो कितने होते हैं? और दो से दो हटा दोगे तो कितना होगा? दो में दो को गुणा करोगे तो कितना होगा? दो में दो का भाग दोगे तो कितना होगा? दो से दो जोड़ोगे तो कितना होगा? ये तो ज्ञान सीख लिया, लेकिन आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाता है, इस ज्ञान की यहां पर अपेक्षा है। इसी ज्ञान को दुर्लभ ज्ञान कहा है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आपका ज्ञान तो सरल और सहज है, कहीं पर भी जाकर के शिक्षण लेकर के सिविल लगा करके हम ज्ञान ले लेते हैं, कोचिंग जाकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञान और समीचीन ज्ञान को यदि पाना चाहते हो तो सदगुरु के चरणों में तुम्हें जाना होगा, सच्चे देव सात गुरु की भक्ति करना होगी। जब तुम्हारा अंतराय कर्म हटेगा, जब तुम्हारा क्षयोत्सम बढ़ेगा और ज्ञान का आवरण हटेगा, तो ज्ञान तुम्हारा समीचीन ज्ञान होगा। वही ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाएगा, फिर क्या होगा? बास करो, लोक के बास करो, यानी लोक के अग्रभाग में पहुंचोगे। तो योग प्रयोग, प्रयोग कैसे कर रहे हैं? सोचा कभी तुमने, कैसा प्रयोग करते हैं आप लोग बताइए, बोलो जी। एक कुमार था, एक दिन उसे बर्तन बनाना था। बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के लिए जंगल गया। जंगल गया तो एक उसे अच्छा चमकीला मिट्टी खोदते समय एक पत्थर मिला। पत्थर चमकीला था, उसे अच्छा लगा, सोचा कि मेरे गधे में के गले में डालूंगा तो गधा भी अच्छा लगेगा, पत्थर भी अच्छा लगेगा। तो मिट्टी लेकर के आ रहा था और वो पत्थर उसने गले में, उस गधे के गले में बांध दिया। मिट्टी लेकर के घर की ओर बढ़ रहा था, रास्ते में एक जोहरी मिला। लगता है मूर्ख दिख रहा है, इसने इतना बेस कीमती पत्थर उसके गले में लटका के रखा है।
पूछ लिया जाए कि ये पत्थर बेचना है कि नहीं बेचना है। ओ जी ये पत्थर बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने में बेचोगे? जितना आप कहो, 100 रुपये में। उसने बोला कि कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में दूंगा। गधा वाला बोलता है 50 रुपये ले लो। नहीं नहीं 100 रुपये देगा, देना लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ आगे रास्ता नापो। आगे बढ़ गया वो, 100 रुपये में नहीं लिया उसने, थोड़ी और आगे बढ़ा, थोड़ी और आगे बढ़ा, एक दूसरा जोहरी मिला। उसने दूर से पहचान लिया कि बड़ा बेस कीमती पत्थर है, ये तो रत्न है। बोले ओजी, गधे वाले से कहा कि ओजी ये पत्थर बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने का? बोले 1000 रुपये का। बोले 1000 रुपये का। उसने तुरंत आओ देखा ना ताओ देखा और जेब से 1000 रुपये की नोट निकाली और पकड़ाते हुए उसको दिया और पत्थर लेके आगे बढ़ गया। गधा वाला तो अपने घर की ओर जा रहा था। थोड़ी देर बाद पहले वाला व्यक्ति आया जोहरी, उससे पूछा ओ जी पत्थर बेच दिया? हाँ पत्थर बेच। कितने का बेचा? बोले 1000 रुपये का। अरे मूर्ख, करोड़ों लाखों की कीमत वाला पत्थर तूने 1000 में बेच दिया? तो गधा वाला बोलता है मूर्ख तुम हो कि हम? अरे मूर्ख तुम हो कि हम? तुम्हें 1,00,000 करोड़ रुपये की चीज 100 रुपये में महंगी लग रही थी और मेरे से कह रहा है कि 1000 रुपये में तूने बुद्धू बन गया, मूर्ख बन गया। बंधु ये तुम्हें जीवन मिला है रत्न और हीरे की तरह मिला है। आज तक हम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर पाए तो संसार के चक्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिन तुम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन करोगे तो तुम्हारे अंदर वो नजर होने चाहिए जैसी जौहरी की नजर एक रत्न के प्रति होती है। अभी हम सब लोग 100 रुपये के 50 रुपये के बेचने वाले जीवन में लगे हुए हैं, खरीदने में। इस जीवन का मूल्यांकन करो। सही सही तुम्हें जीवन मिला है, योग संयोग से पुरुषार्थ से तुम्हें बहुमूल्य जीवन मिला है, अब इसका सही सही प्रयोग करना है। उस कुमार के ऊपर तुम्हें हंसी आ रही होगी और उस जोहरी के ऊपर भी हंसी आ रही होगी कि उसने लाखों करोड़ों की चीज 1000 में बेच दी क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसका मूल्य क्या है। लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि इसका मूल्य क्या है। जिस दिन तुम इस जीवन के मूल्य का मूल्यांकन करना सीख जाओगे तुम्हें पता पड़ेगा कि बोधि दुर्लभ भावना क्या होती है। बोधि दुर्लभ भावना और कुछ नहीं है, अमूल्य का मूल्य कराना सिखाती है। मूल्य का अमूल्य कैसे होता है इस बात का परिचय कराती है बोधि दुर्लभ भावना। संयोग से योग मिला है, अब इसका सही सही प्रयोग करना है जीवन के निर्माण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। सही प्रयोग करेंगे तो कभी जीवन में पीड़ा नहीं आएगी, पीड़ा नहीं होगी। और पीड़ा तभी होती है जब जीवन में सही सही जो पाया है प्रयोग उपयोग नहीं करते हैं, पीड़ा पाते हैं। प्रेरणा पाना चाहिए जो सही सही जीवन का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं, उनको देख करके जीवन में ये हमें प्रेरणा मिलना चाहिए कि अब मुझे ऐसा नहीं करना है। जो सामने वाला सही सही दिशा में गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, सही दिशा में चल रहा है, उनको देख करके, उनके दुखों को देख करके, उनकी पीड़ा को देख करके अब मुझे आगे चल करके ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे मेरे जीवन में पीड़ा आए। अब मुझे ऐसा करना है जो सदमार्ग पर चल रहे हैं, जो सही मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, उनको देख करके मुझे अपने जीवन में नई पीड़ा प्रेरणा लेना चाहिए, नई दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जो जीवन को देख करके सही दिशा में बढ़ने का पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति अच्छे लोगों को देख करके अपनी प्रेरणा पाता है। बुरे लोगों को देखोगे तो जीवन में पीड़ा ही मिलेगी, सही लोगों को देखोगे तो प्रेरणा मिलेगी। तुम क्या चाहते हो? पीड़ा की प्रेरणा। बोलो तुम क्या चाहते हो? दूसरों को देख करके पीड़ा या दूसरों को देख करके प्रेरणा? प्रेरणा चाहते हो? प्रेरणा चाहते हो? सही बोल रहे?
तो फिर आ जाओ हमें देख करके ऊपर। यही तो संत कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो अभी तक आप लोग रंग क्यों नहीं बदल पा रहे हो? एक छोटा सा जीव क्षुद्र प्राणी त्रियंच अवस्था में कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी गिरगट को देख करके दूसरा गिरगट भी रंग बदल लेता है, वो तो तुमसे अच्छा निकला। हम लोग क्या है, रंग बदलते तो हैं पर कौन सा रंग बदलते हो? राग वाला रंग बदलते हो, बैराग का रंग नहीं बदलते हो। जिस दिन तुम बैराग के रंग में रंग जाओगे, ढल जाओगे, तुम्हारे सारे संयोग प्रयोग बनकर के दूसरों के जीवन के लिए प्रेरणादायी बनोगे और दूसरों के जीवन को संभालने में सही सही सक्षम और प्रयोग करोगे। कभी आपने सोचा कि हम किसी के लिए उदाहरण बने? बोलो, उदाहरण तो बनते हो। किसी ने यदि एक गाली दी तो 100 गाली देने की क्षमता रखते हो, है ना? किसी ने एक मारा तो बंदूक भर के बैठी, इसको हम मिटा के रहेंगे। ये प्रयोग तो आप करते हैं, पर कभी ऐसा प्रयोग किया है कि जो तुम्हारे जीवन से प्रेरणा पाए? एक सेठ था, वक्त की मार उसके जीवन पर पड़ी। वक्त से समय से परेशान होकर के उसकी सारी जो संपत्ति थी, वैभव था, सब धीरे धीरे छिन गया, छीन हो गया। उसका सुख समृद्धि सारी की सारी दरिद्रता में बदल गई। लेकिन उसके बचपन का एक मित्र राजा भी था। उसकी पत्नी बार बार उसको समझा रही है कि देखो, तुम्हारे बचपन का मित्र एक राजा है, उसके पास जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता हो सकता दूर हो जाए। लेकिन सेठ कहता है कि वैसे फटे हाल हालत में मैं उसके सामने नहीं जाता हूं, मेरी क्षमता भी नहीं है, दरिद्रता को देख करके मुझे शर्मिंदा होने पड़ रहा है, मैं कैसे उसके सामने मुख दिखाऊं? पर पत्नी की प्रेरणा पा करके, पत्नी की अंदर की पीड़ा को देख करके उस राजा के सेठ के मन में विचार आया कि बार बार मेरी पत्नी सही बोल रही है, तो चलो मुझे राजा से एक बार मिल लेना चाहिए, हो सकता हमारी दरिद्रता को ठीक करने में वो बहुत सहयोगी बनेगा और अपने द्रव्य का सही सही प्रयोग करेगा। बड़ी मुश्किल से वह सेठ मन बना करके अपने बचपन के मित्र राजा के पास जाता है और राजा से जाने, राजा के पास पहुंचता है तो महल के बाहर पहरेदार खड़े होते हैं। पहरेदार से कहता है कि जाओ अपने राजा से कहो कि तुम्हारा बचपन का मित्र मिलने के लिए आया है। पहरेदार उसकी हालत को देख करके कैसा बोल रहा है, कहीं पागल तो नहीं है? कहाँ राजा, कहाँ ये फटे फटीचर, कपड़े भी तन पर सही नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं और कह रहा अपने आप को मैं राजा का बचपन का मित्र हूं। बार बार सेठ के कहने से उन पहरेदारों के मन में थोड़ी दया और करुणा सी आई। एक दरबारी अंदर जाता है, जैसा सेठ ने बताया वैसा वहां पर समाचार देता है कि कोई बचपन का आपका मित्र बनकर के आया है और इस तरह से उसका नाम है और आपको बचपन का मित्र कह रहा है। जैसे ही राजा ने नाम सुना, और नाम सुनते ही सिंहासन से दौड़ लगाता है और बचपन के मित्र से मिलकर के उसको छाती से गले लगा लेता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है। जैसा कभी श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था कि जैसे ही सुदामा का नाम सुना और श्री कृष्ण सिंहासन को छोड़ करके दौड़े दौड़े आए, सुदामा को उठा करके चरणों से गले लगा लिया। यही चित्रण उस राजा ने अपने बचपन के मित्र के साथ किया। हालत को देख करके कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला
शाम को घर यदि लौट करके आता है तो भूला नहीं माना जाता है। कहते हैं राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, कर्मों का उदय है, ये अशुभ कर्म तुम्हारे जीवन में आया है, दरिद्रता तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, कोई बात नहीं, मेरे पास चार चार खजाने हैं, एक एक खजाने में तुम्हें भेजूंगा, वहां से जो तुम जितना लेना चाहते हो ले जाना, तो अपनी दरिद्रता को दूर करना और अपना जीवन जीना। राजा ने आदेश कर दिया मंत्रियों के लिए कि जाओ इन्हें रत्नों का खजाना खोल दीजिएगा, जाओ तुम इन्हें रत्नों का खजाना खोल दो। राजा के आदेश से रत्नों का खजाना खुल गया और देखता ही वह सेठ जैसी खजाने में अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रत्नों का खजाना, चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई, उसने सोचा कि दो चार रत्न भी ले जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। चलो पहले अच्छे से देख तो लो, ये खजाने कभी खुलते नहीं हैं, बड़े पुण्य से मेरे लिए अवसर मिला है, बड़ी दुर्लभता से ये अवसर आया है, चलो पूरे खजाने को अच्छी तरह से देख लिया जाए। नजर दौड़ा दौड़ा करके देख रहा है, आंखों को बड़ी कर करके देख रहा है, बड़े उत्साह और उमंग के साथ अवसर मिला है, उस उत्साह उमंग के साथ खजाने को देख रहा है, देखता कहा है कि वहां पर रत्नों के कुछ खिलौने रखे थे जिसके साथ राजा के साथ बचपन में वह सेठ भी खेला करता था। जैसी खिलौने पर नजर जाती है उसने सोचा अभी तो 3 घंटे का समय दिया राजा ने, 2-4 रत्न ले जाऊंगा तो मेरा तो भला हो जाए कि चलो जब तक 3 घंटे नहीं होते इन खिलौने से खेलते रहो। क्या किया उसने, खिलौनों में खेलता रहा, इतना व्यस्त हो गया कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं पड़ा। और घंटी जब बजती है तो कहते हैं कि अब तुम बाहर निकलिए, अब तुम कुछ नहीं उठा सकते, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं, अभी बैठना है। चला गया वापस खाली हाथ। राजा को मालूम पड़ा कि खाली हाथ गया कुछ नहीं ले जा पाया, तो दूसरे दिन उसको बुलाया। दूसरे दिन वह सेठ जी आया तो कहा कि जाओ इसे अब सोने का खजाना खोल दो। सोने की खजाने खोल दिया, सोचा थोड़ा बहुत सोना ले जाऊंगा, एक आध दो ईंट ले जाएंगे तो माला माल हो जाएगा। पर जैसे ही वहां गया तो उसे एक घोड़ा मिला। अरे ये तो बचपन का घोड़ा है जिसके साथ मैं बचपन में घुड़सवारी करता था, सोना थोड़ा बहुत ले जाऊंगा काम हो जाएगा, चलो अभी घोड़े पर बैठ करके थोड़ी सवारी कर ली जाए। घोड़े पर सवारी करने के लिए गया, समय पूरा 3 घंटे हो गया, वापस आया जब समय पूरा बीत चुका था, अब भी कुछ भी नहीं ले जा पाया। तीसरे दिन राजा ने उसको बुलाया, कोई बात नहीं जाओ अब तुम्हें चांदी का खजाना खोलते हैं। चांदी का खजाना खोला, चांदी तो उसने भर ली। चलो निकलने वाला था, गेट पर तो एक छल्ला लगा था, छल्ला में लिखा था मुझे ना छुए, मुझे ना छुए, यदि छू भी लोगे तो इससे उलझ नहीं जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे, सुलझ कर निकलना होगा। अब निषेध में जिज्ञासा तो होती है, उसने छल्ला को पकड़ा, उलझ गया। अब एक हाथ में उसके चांदी के कुछ आभूषण थे, उसने उसको नीचे रखे, दूसरे हाथ को उठाया और उसको सुलझाने में लगा तो अभी तक नहीं सुलझ पाया। 3 घंटे पूरे हो गए, वापस खाली हाथ जाना पड़ा, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।